रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी सांची में चैतन्य विहार मंदिर में 2 दिवसीय सांची महाबोधि महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। यह महाबोधि महोत्सव गौतम बुद्ध के परम शिष्य महामोद गलायन और सारिपुत्र की पवित्र अस्थियों की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। बता दें कि शनिवार सुबह 8 बजे जिला प्रशासन और महाबोधि सोसाइटी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में मंदिर के तलघर से पवित्र अस्थि कलश को कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया। इसके बाद कलश की विधिवत पूजा अर्चना की गई और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया। वहीं से पूर्व वियतनाम के दल द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की भी शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं अस्थि कलश की पूजा अर्चना में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और उनके साथ बोध सोसाइटी के चीफ विमल नायक, उपतीस थेरो नायक भी मौजूद रहे। जो इस बार 72nd एनिवर्सरी को मना रहा हूँ, इसका जो पहली बार जो फर्स्ट प्रथम एनिवर्सरी जो था वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था, तो श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी आज तक इस हर साल इसको मनाते आ रहे हैं। इस बार विशेष तौर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उनका संदेश भी भेजा है, आज शाम को उसको पढ़ा जाऊंगा और उसके बाद पूरा मध्य प्रदेश शासन और यहाँ के चीफ मिनिस्टर सब लोग इस महोत्सव को सक्सेस करने के लिए सभी सहयोग महाबोधि सोसाइटी को दिए जा रहे हैं। इस बार जापान, ताइवान, वियतनाम, बहुत सारे देशों से, श्रीलंका देशों से बहुत से लोग आए हुए हैं। सांची महोत्सव में जब मैं देश का कल्चर मिनिस्टर था, तब मुझे पहली बार महाराज जी के सानिध्य में आने का मौका मिला था। ये मेला नहीं है, वास्तव में पवित्र दिन है, जिस दिन न सिर्फ भारत के बल्कि भारत से बाहर के लोग आकर उन स्मृतियों को भी एक बार याद करते हैं और उन पवित्र अस्थियों के दर्शन भी करने का मौका मिलता है। साल का ये पहला ही अवसर होता है एक साल में एक बार, और इस बीच में मैं आदरणीय मोदी जी को जरूर स्मरण करूंगा कि बीच में जो जनभावनाएं होती हैं उस नाते इन अस्थियों को भी बाहर पहुंचाकर उन श्रद्धालुओं के मन को संतोष दिया है, और मुझे लगता है यही परिवार का भाव है। बुद्ध का संदेश एक ही मैं समझती हूँ कि शांतिपूर्ण देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारा देश अभी सारी चीज़ों में बटा हुआ है, सारे धर्मों में बटा हुआ है, उसको अब एक होने की ज़रूरत है, और शांति का संदेश ही बुद्ध का संदेश माना जाता है। सो मैं फील भी यही कर रही हूँ। यहाँ पे सारे जो बुद्धिस्ट भिक्षु और सारे बड़े मॉन्क आए हुए हैं और गुरुजी भी पधारे हुए हैं, उनके सानिध्य में इतना आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल माहौल बना हुआ है। सो ये देख के काफ़ी हृदय गदगद हो रहा है।